हमारे देश में सब जगह सफल वही होता है जो संघर्ष करता है। बोलो यस और नो। अरे यस और नो, पक्की बात। किसी ने खूब कहा है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं हुआ। फिर से सुनना मेरी बात, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि कभी वो चर्चित, मतलब वो कभी भी सफल, तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मैं कहानी पे आता हूं। अपने इंडिया के हरियाणा के एक गांव में किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है 1997 में। ठीक 1997 में जन्म होता है, बहुत नॉर्मल किसान परिवार में जन्म होता है। बचपन में दादी के लाड में बच्चा दूध घी पी के बहुत मोटा होता है। 8-10 साल का होता है, स्कूल जाता है, चौपाल पे खेलता है, रोज उसे लोग बहुत चिढ़ाते हैं, मोटे मोटे मोटे, कोई उसका पेट खींचता है, कोई उसके गाल खींचता है, ह्यूमिलेशन उसे महसूस होता है, हो सकता है कहीं कोई ऐसा महसूस हो। तब वो निर्णय करता है कि मैं पास ही की एक जगह पे वो वर्जिश करने जाऊंगा। वर्जिश समझते हो आप लोग, एक्सरसाइज करने जाऊंगा। वहां गया वो, उसने चालू करा, सिर्फ उम्र थी 10 साल। निर्णय कब लिया? 10 साल की उम्र, 10 साल की उम्र थी सिर्फ तब, 10 साल की उम्र की वर्जिश करूंगा। वहीं पे पास में कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखा, जब खेल खेलते देखा तो उसमें रुचि जागी, रुचि जागी तो सोचा यार मैं भी ये करूंगा। पतला होने का लक्ष्य तो बहुत पीछे छूट गया, पतला होने का लक्ष्य तो बहुत, वो संकल्प की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। ये जो आप आईआईटी गए ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तो आप चढ़ी लोगे। असली मंजिल तो सफलता पाना है। बोलो यस और नो। आईआईटी सफलता नहीं है सिर्फ, ये पहली सीढ़ी है। उसकी पहली सीढ़ी थी कि नहीं यार मैं पतला होऊंगा, वो तो छूट गई पीछे। उसका खेल में इंटरेस्ट जा, खेल में इंटरेस्ट जा गया, सब उसने उसको चालू करा। वो उसके आसपास के कोचेस ने देखा यार ये तो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसको आगे बढ़ाना चालू करा, उसे प्राइजेस जीतना चालू करे। जब 2019 आते आते, 1997 से 10 साल का बच्चा यानी कि 2010 की बात, 2019 आते आते जब प्रैक्टिकली उसको एक मेन गेम में खेलने जाना था, देश के लिए कुछ करके लाना था, तब उसके पहले उसके शोल्डर में, मतलब खेलते हुए बोन में फ्रैक्चर हो गया, मतलब वो इंजरी हो गई। तो 2019 के उस खेल में साथ नहीं जा पाए, पर 2019 में ही टोक्यो जो अपना भी वो हुआ ना ओलंपिक्स, उससे पहले उसकी सर्जरी होनी थी, और उसी के पहले टेस्ट थे कि कौन कौन ओलंपिक में जाएंगे। और आप सोचिए, सर्जरी होने के एक दिन पहले वो टेस्ट लिया और ओलंपिक में जाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाया, और उसके बाद सर्जरी कराई। इसे कहते हैं संघर्ष। जब ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हो गया तो आप सोच के देखिए, उन्होंने सोचा कि अब स्वीडन जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, देश के जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको ले जाया जाता है। लॉकडाउन लग गया, जा नहीं पाए, काफी जितने भी खिलाड़ी थे वो डिप्रेशन में चले गए। पर उसने सोचा नहीं, मैं करके बताऊंगा। जहां रहता था वहीं पे अपनी पूरी प्रैक्टिस सेट बना लिया, पूरा कंफर्म 110%। और आपको जान के खुशी होगी कि उस व्यक्ति ने हमारे देश का दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आया। मैं चाहता हूं उनका वीडियो तो एक बार अपने को दिखाया जाए। पहचान पाए आप लोग कौन है ये? कौन है? क्या बात है! वो वीडियो दोबारा देखते हैं एक बार। तालियां बजते रहने चाहिए। भारत माता की, भारत।